अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल बारी, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड से, तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट वक्फ विंग से। ये वीडियो पब्लिक दिलचस्पी और पब्लिक इंटरेस्ट पे बना रहा हूँ मैं। ये एक जो ऑटो स्टैंड चार मीनार के पास, उससे काफ़ी दुश्वारियाँ आ रही हैं, और गाड़ियाँ आने के लिए, पैसेंजर जाने के लिए, या फिर ऑटो से हट के कोई दूसरी गाड़ी जाना बोले तो बहुत मुश्किल हो रही। बसें काफ़ी देर तक ठहर जा रही, जिसकी वजह से बस में ट्रैवल करने वालों की वक्त ख़राब हो रहा और पब्लिक परेशान हो जा रही, और दुकानदारों के जो कारोबार है उसके ऊपर भी असर पड़ रहा। बिलखसूस हमारे पर्दा नशीन माँ बहनें जो पैसेंजर ऑटो में एक शेयरिंग ऑटो की तरह शेयर करके जाते हैं, उनके लिए आने जाने में एक बेअदबीपना हो रहा। ऑटो वाले आगे नहीं, पीछे नहीं, कुछ नहीं देख रहा, थोड़ा बहुत धक्कम धक्की हो जा रही उनके। ऑटो स्टैंड या फिर ये जो बस स्टॉप था हमारा पुराना चार मीनार, उसके अंदर शिफ्ट हो गया तो भी हमारा गम नहीं है कि रोडा साफ़ हो जाएंगे, खुले हो जाएंगे, बसेस आराम से पास हो जाएंगे, जो गाड़ियां दूसरे हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे, आराम से चलना शुरू हो जाएगा। और ख़ासकर रात में 10 बजे के बाद से यहां पर ना कुछ भी रूल्स फॉलोअप नहीं हो रहा। हम जो रोड से चालीबंडा जाना चाहिए, वो रोड से डायरेक्ट ऑटो वाले हैं तो कोई भी रहें तो उल्टी रोड जा रहे हैं, और आने वाले जो पैसेंजर हैं, जो गाड़ियां दूसरे हैं, उनसे ज़्यादातर धक्कम धक्की एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, ज़्यादातर लग जा रहे हैं गाड़ियों को, गाड़ियां लग जा रही। और इधर से जो खिलवत से आने वाले हैं वो भी उसी हिसाब में उल्टा आ जा रहे। तो मैं इतना ही चाहूँगा, ये जो तकलीफ़ हो रही है आवाम को, दूसरे जो गाड़ियाँ वालों को, जो प्राइवेट कार्स है, जो बाइक्स है, उनको, जो ऑटो वालों से, बसों को जो तकलीफ़ हो रही, उसके लिए थोड़ा सा पुख्ता कदम उठा के थोड़ा इनको इसका रोड चेंज कर दिए तो थोड़ा बेहतर रहेगा।